हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी शिरडी ब्लॉग। गाइस यस, हम लोग निकल चुके हैं शिरडी जाने के लिए। एंड मैं इंट्रो शूट करना भूल नहीं गई सॉरी, जल्दी जल्दी में अचानक से प्लान हुआ तो इसके वजह से मैं इंट्रो शूट नहीं कर पाई। तो अभी गाड़ी एक जगह रुका हुआ है CNG डलवाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ एंड थोड़ा सा इंट्रो शूट कर लूँ, क्योंकि मैंने कोई इंट्रो शूट नहीं किया बस इसके लिए। तो आई होप कि आप सबको ये शिरडी ब्लॉग अच्छा लगेगा। यहाँ से मुंबई टू शिरडी 4 आवर्स 4:30 आवर्स लगता है एंड यहाँ से काफ़ी दूर भी है, आई थिंक 250 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखो, पहली बार जा रही हूँ एंड आई एम एक्साइटेड। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा एंड मैं बहुत डर डर के ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे बाहर निकल के फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ एंड अभी गाड़ी में कोई नहीं था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बातें कर ही लेती हूँ। आई होप कि अच्छा लगेगा। सो चलो एंजॉय करो आप लोग ये ब्लॉग। सो गाइज, 2-3 आवर्स बाद कंटिन्यू ट्रेवल करने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉल ढाबा बोल सकते हो जो स्नैक्स का है, तो यहाँ हम लोग रुके थे थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था विसल पाव एंड फ्रूटी। रात को इसके लिए गला ख़राब हो गया तो हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर किया था थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए, क्योंकि जब ट्रैवल करो तो थोड़ा बहुत भूख ज़्यादा लगती है। तो बस अब हम लोग ये खाएँगे देन उसके बाद फिर आगे ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे। हल्का फुल्का खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, तो हम लोगों ने बस यही मंगाया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये खा के फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं शिरडी एंड अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुका है। सोचिए, अभी गए हैं मेरे हस्बैंड रूम के लिए बात करने के लिए। सो गाइज, हम आ चुके हैं होटल में, आप देख सकते हैं, एंड बहुत टाइम हो गया है, 4:30 अभी हो रहा है टाइम। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद सुबह जाएंगे दर्शन करने, और हमारा दर्शन करने का टाइमिंग है 2 बजे का। तो अभी देखते हैं सुबह कब तक जाते हैं। तो मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दूं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी सुबह। ओके, बाय। सो गाइस, रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैं कब से हम लोग इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, चाय वाय पानी वानी पी रहे थे। अभी जा रहे हैं, देखते हैं, पता करते हैं, अगर जल्दी दर्शन हो जाता है 2 बजे से पहले हो जाता है तो अच्छी बात है। तो अभी जा रहे हैं बाहर एंड मोबाइल अलाउ नहीं है, इसके लिए मोबाइल पर्स सब कुछ मैं होटल रूम में ही रख के जा रही हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं है तो फालतू का लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ, थोड़ा सा बता दूँ, फिर देखती हूँ दर्शन करके आती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अगर मोबाइल लेके जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा बहुत दिखाती भी हूँ, ठीक है, आपकी कभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोबाइल लेके जाऊँ फिर ना। तो चलो, मैं आप लोग से मिलूंगी। मेरा आवाज़ अगर सो जा रहा हो तो उसके लिए सो सॉरी एंड मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके,
सो गाइस मोबाइल वेल कुछ भी अलाउ नहीं था, इसके लिए दर्शन के बाद हम लोग सीधा निकल गए थे। तो आप देख सकते हो ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, ये जो वीडियो का पार्ट दिखा रही हूँ ना, ये पूरा शिरडी का ही है। पूरा यहाँ पे लाइन लगता है, गेट नंबर है 1-5 करके, तो सब अलग अलग गेट नंबर है। सी आप देख सकते हो मैं पूरा यही क्लिप दिखा रही हूँ। जैन जस्ट इसके अंदर ही मंदिर है, आप उसके अंदर जाओगे काफ़ी घूम घूम के जाने के बाद तो आपको दर्शन मिल जाता है। काफ़ी टाइम लगता है, लाइन काफ़ी लंबी होती है शिरडी में, आप लोगों को पता ही होगा। तो बस हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया, मोबाइल अलाउ नहीं था इसके लिए मोबाइल लेकर नहीं गई। जब बाहर थे तो सोचा चलो बाहर से ही थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अब हम लोग दर्शन के बाद जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो लंच करने के लिए हम लोगों ने एक ढाबा पे रुका था, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यम्मी यम्मी लंच। और आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था मसाला पापड़, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था। एंड उसके बाद ऑर्डर किया था नान रोटी, बटर पनीर एंड मिक्स वेज सब्जी भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था। लेकिन राइस भी ऑर्डर किया था, बट राइस का क्लिप लेना मैं भूल गई, एकदम लास्ट में हम लोगों ने राइस ऑर्डर किया था क्योंकि स्टार्टिंग में राइस का नहीं सोचे थे कि लेना है कि नहीं लेना है, इसकी वजह से। तो हम लोग फटाफट से ये लंच शाम को किए थे। लंच कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस। अब हम लोग पंचवटी आ गए हैं एंड यहाँ पे आते थे काफ़ी लेट हो गया, बट अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से ट्रैफिक रेस में। हाँ तो क्या हुआ, आपका आवाज़ जाएगा तो ट्रैफिक के वजह से। यस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से यहाँ आते थे काफ़ी लेट हो गया है, बट फाइनली अब यहाँ पहुँच गए हैं। जा रहे हैं ना, गाड़ी तो जा रही है, गाड़ी तो जा रही है, बोल तो रहे हैं उधर गाड़ी जा रही है, उधर पूछो तो उधर लगाते हैं। अपन इधर से है ना। हाँ ओके। बहुत ज़्यादा खुशी है कि फाइनली आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया। पहले शिरडी में दर्शन करते करते काफ़ी लेट हो गया एंड लंच हम लोग का हुआ। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हो तो आपको पता होगा एंड फ़ोन भी बज रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया एंड ट्रैफिक टू मच। गाइस पीछे जो मंदिर है वो काल भैरव मंदिर है और ये है गोदावरी नदी, आप देख सकते हो। अंधेरा हो चुका है, रात हो चुका है, जिसके वजह से मंदिर का दर्शन तो नहीं मिला, बट हाँ शंकर भगवान का मिला।
शनि भगवान का मिल गया दर्शन। चलो वो अच्छा था, वो जरूरी था करना। बाकी जरूरी तो ये भी था, बट अभी बंद हो गया, काफ़ी लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। बट कोई बात नहीं, मैंने सब एक बार पूरा क्लिप आपको दिखा दिया है, पीछे मंदिर देख सकते हो। दिन में ना बहुत अच्छा व्यू आता, लेकिन अभी रात में व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा है, सो सैड।